नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा। केरल दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य जिसे आज की तारीख में गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, यानी भगवान का घर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की खूबसूरती स्वर्ग के समान है और कुदरत के इसी खूबसूरत दुनिया में बसते हैं तिरुपति बालाजी। हम उन्हीं तिरुपति बालाजी की बात कर रहे हैं जिनका मंदिर रहस्यों से भरा है, खजाने से भरा है और चमत्कारों से भरा है। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जहां अपने वेंकटेश्वर रूप में जगत के पालनहार साक्षात यानी कि भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। आम से खास देखे जो कोई भी श्रद्धा के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में शीश झुकाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। भगवान वेंकटेश्वर यानी कि तिरुपति बालाजी के इस धाम में देखे लोगों की मनोकामनाएं कितनी जल्दी पूरी होती है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि मनोकामना पूर्ण होने पर बाल दान करने की परंपरा यहाँ निभाई जाती है। और यकीन कीजिए रोजाना 6 ट्रक बाल यहाँ से निकलते हैं। हालांकि देखिए बाल दान करने के पीछे कई वजह भी होती हैं, लेकिन यहाँ आस्था की शक्ति श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण करती है। यूं तो तिरुपति बालाजी में आए दिन चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सालों पुराने एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र रोज होता है। 7 नवंबर 1989 एक ऐसी तारीख है जब तिरुपति बालाजी ने अपनी अद्भुत लीला दिखाई। कहते हैं इस दिन आधी रात को मंदिर में जोर जोर की घंटियों की आवाज अपने आप आने लगी। इन घंटियों को किसी ने बजाया नहीं बल्कि ये अपने आप बजने लगी। घंटियों का शोर इतना हो गया कि वहां मौजूद लोग घबरा गए। दरअसल बीते कई सालों से वर्षा नहीं होने की वजह से तिरुपति बालाजी के आसपास के इलाकों में सूखा पड़ गया था और सूखे की वजह से हालात देखिए इतने गंभीर हो गए थे कि मंदिर बंद होने की कगार पर आ गया। और बहुत विचार विमर्श के बाद पुजारी से लेकर ट्रस्ट के लोगों ने वरुण जाप करने का सोचा और तब उन्होंने भगवान तिरुपति बालाजी से प्रार्थना की कि वो उन्हें जप करने की स्वीकृति दे। और इसके बाद देखिए 7 नवंबर को घंटे आपस में टकराकर बजने लगी और इन घंटियों के शोर से पुजारी से लेकर ट्रस्ट के लोग ये समझ गए कि ये प्रभु का इशारा है। बस फिर क्या था, जैसे ही मंदिर में मौजूद लोगों ने वरुण जाप करना शुरू किया, 3 दिनों तक चलने वाला वरुण जाप जैसे ही खत्म हुआ, देखते ही देखते आसमान काले बादलों से छा गया और मूसलाधार बारिश होने लगी और इस तरह से तिरुपति बालाजी के चमत्कार से सूखा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो 1989 में 7 नवंबर की रात का ये चमत्कार आंखों देखी है जिसका जिक्र आज भी होता है और तभी से प्रभु के चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो गया। बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल देखे किसी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि कहा जाता है ये कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं और इसके पीछे की वजह है भगवान की मौजूदगी। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बालाजी के सामने एक दिया सदैव जलता है। अब इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। और दिलचस्प बात देखिए क्या है कि कई वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया कोई नहीं जानता। कहते हैं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के हृदय में वास करती है और ये तब देखने को मिलता है जब हर गुरुवार बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है। और देखिए दिलचस्प बात क्या है, जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो उनके हृदय पर लगे चंदन में देवी माँ लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है और इस कारण प्रतिमा को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। अब बालाजी के भक्तों को उनका सबसे बड़ा चमत्कार तब देखने को मिलता है जब प्रतिमा पर पसीने की बूंदें नजर आती हैं और पीठ नम रहती है। तो देखा आपने, तिरुपति बालाजी का ये धाम यूं ही चमत्कारी नहीं माना जाता।
भाई और बहनों, सदगुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व सातवें वैदिक महायज्ञ के रूप में इतने बड़े सह योगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सदगुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज जो एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है, मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि हां जब भी समय विपरीत होता है कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है और ये भारत ही है जहां साधकों के संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है।